wanna be one of the name. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. साहब उम्मीद करते सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। तो हाँ जी, कल का जो मैंने व्लॉग बनाया था कि मेरे ना एक मुझे आप सब लोगों में से कितने फैंस ने कहा कि आपके चैनल पे ना एड नहीं आ रहे। अब एड नहीं आ रहे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, क्योंकि बहुत सारे जो वीडियोस देखी है ना, तो उन सब में तकरीबन ये बताया गया कि चैनल मोनिटाइज हो जाता है। तो जो चैनल मोनिटाइज हो जाने के बाद जो एक महीने का टाइम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ना, वो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम होता है कि इस पर बहुत ज़्यादा एहतियात की हमें ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए होती, वरना चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। तो बस अब एक चीज़ जहन में जो पड़ी होती है ना, तो वो निकलती नहीं, बुरी चीज़ें जहन से निकलती नहीं और अच्छी चली जाती है, या इंसानों की फितरत है। तो मुझे बस फिर किसी ने बताया कि आपके चैनल पर ना एड नहीं आ रहा, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। फिर मैंने ना एक दो फ्रेंड्स को मैंने खुद से मैसेज किया कि ना मेरे चैनल पर प्लीज़ देखो एड आ रहे, तो उन्होंने भी कहा नहीं आ रहे, चार पांच बंदों ने कहा नहीं आ रहे। फिर उससे पूछा तो उसने कहा कि, और उससे थोड़ी सी नॉलेज है तो उससे मैं पूछा तो उसने भी कहा कि हाँ नहीं आ रहे। फिर तो मेरे हाथ पाँव फूल गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, रात भर नींद नहीं आ, चैनल तो चेक करो, अब मुझे भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, नया नया चैनल है, फर्स्ट चैनल है, मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। और खुद से हम अपना चैनल देख नहीं सकते, हमारे घर में जो दो मोबाइल है लेकिन दोनों एक ही डिवाइस पर चलते हैं, तो एक ही डिवाइस पर चलने वाले से हम नहीं देख सकते, तो बिल्कुल नहीं देख सकती थी। तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, और उसके बाद तो मैं रात को सोई और दोबारा तो मैं दूसरे दिन में 11 बजे उठी हूँ, लेकिन आज था सुहाना का पेपर, तो सुबह सुबह 6 बजे मैं जगी थी, 6 बजे उठी तो सबसे पहले मैंने 6 बजे मोबाइल उठाया तो मुझे मैसेज आए हुए थे किसी के कि आपके चैनल्स पे एड आ रहे हैं, तो एड आ रहे हैं, तो मुझे सुहाना उसको यहाँ क्यों लेगी, आवाज़ें करेगी, बातें मत करना उसके साथ। तो मुझे पता है कि आपके चैनल्स पर एड आ रहे हैं, तो उन्होंने स्क्रीन शूट लेके भी रखे हुए थे मेरे लिए, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी इतनी ना फिक्र करके उन्होंने स्क्रीन शूट रखे, देखा दोबारा से उन्होंने, तो फिर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हुई। हालांकि चैनल पे ऐड नहीं आया था, मैंने अपने हस्बैंड से कहा तो उन्होंने कहा टेंशन कोई बात नहीं, तो उन्होंने एनालाइज करके चेक किया ना, तो अगर ऐड नहीं आता ना तो अभी नहीं आते, बट कोइन हमें आ रहे थे, स्लोली आ रहे थे, कभी 5 आते हैं तो कभी 11 आते हैं तो कभी 6 आ जाते हैं, तो आ रहे थे। तो कहा अगर ऐसी बात होती ना तो ये हमें कोइन भी नहीं आते, और चैनल हमने चेक किया, रीचेक किया, तो चैनल पर मोनेटाइजिंग भी ऑन थी। तो बस किसी ने क्या मशवरा दिया, किसी ने क्या दिया कि बड़े यूट्यूबर को, वैसे तो मैं किसी को कहती नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने कहा मैं किससे कहूँ, मैं किसी से नहीं कहती हूँ, तो फिर मैंने नहीं कहा, लेकिन सुबह तक मुझे पता चल गया, सुबह सबसे पहले मुझे 6 बजे पता चल गया और मेरी टेंशन हल्की हो गई। तो एक बार फिर से उनको थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे बताया भी उन्होंने कि चैनल पे ऐड नहीं आ रहे, और मुझे फिर से उन्होंने बताया कि ऐड आ रहे हैं। तो कभी कभार ना फिर बहुत सारी वीडियो देखी, कहा कि कभी कभार ऐड कम भी हो जाते, और कितने ऐड तो हैं जो कि हमने खुद ने बंद करके रखे हैं, हमें किसी ने कहा, किसी यूट्यूबर ने कहा कि ऐड थोड़े दिन ना 1 महीने तक जो ऐड है वो बंद करके रखना चाहिए, और ये जो थोड़े बहुत हैं वो ओपन है, तो इंशाल्लाह जैसे 1 महीना हो जाएगा तो हम खोल देंगे। तो आज माशाल्लाह से आज ज़्यादा टेंशन थी, और आज ही 21 पॉइंट आज आए, वरना तो मुझे इतने कम आ रहे हैं, 6, 11.5 आ रहे, और 100 पॉइंट पे $1 बनता है, और हमें $10 चाहिए, $10 होने के बाद पिन आ जाएगा। तो बस अब हमारे 6 हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से 8 को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, तो मेरी वीडियो करें ताकि 10 हो जाए, उसके बाद भले ही ना करें शेयर, लेकिन अभी आप जल्द से जल्द शेयर करें ताकि मेरे ये 10 पूरे हो जाए ना। मैं चाहती थी, बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे पार्टी होने से पहले ना मेरे ये पूरे हो जाए, और मेरा पिन आ जाए तो मुझे तसल्ली हो जाए, क्योंकि अगर एक बार ये मेहनत 1 साल की ज़ाया हो जाती ना, फिर दोबारा से करना पड़ता, फिर दोबारा से हिम्मत टूट जाती। अब 1-2 महीने की बात हो तो इंसान को समझ में आता है, 1 साल ना तकरीबन 10 महीने हो गए मेरी वीडियो करना, 10 महीने हो गए मैं वीडियो बनाई जा रही हूँ, तो अब ना फिर तो दुख तो होता है, आप खुद को मेरी जगह पे रख के सोचे तो दुख तो बहुत होगा। तो
तो बस अभी मुझे लोग कमेंट्स में आके कह रहे हैं कि हम आपको बताते हैं जो आपकी ना साल भर से आपके चैनल पे जो ग्रो नहीं हुआ ना, आप हमसे बात करें एक बार तो हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई कमेंट्स में मुझे बताते कहा नहीं, शर्त ये है कि आप हमसे रब्ता करें, आप अपना नंबर दे। तो मैंने कहा रहने दो, जाने दो, जहाँ पे इतना सबर किया तो थोड़ा सा और सबर कर लूँगी। मलिया नहीं मलिया बेटा, तो जहाँ पे इतना सबर किया तो थोड़ा सा और सबर कर लेंगे, बट मैं अपना व्हाट्सअप नंबर किसी को भी नहीं दे सकती, और नहीं ना मैं दूंगी कि व्हाट्सअप नंबर ना कि अलग ना, एक मेरिट हूँ, तीन बच्चों की माँ हूँ, ऊपर से ना व्हाट्सअप नंबर की जरूरत क्या है। आते चले हम बात कर सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे मैं बात करती हूँ ना, जो बात करनी होती है मुझे खुद को भी, आप लोगों से कभी कभी कुछ पूछना होता है तो मैं खुद भी आकर पूछ लेती हूँ। हालांकि पहले मैं भी इस बात को बहुत ज्यादा क्यों, मैं ऐसे एरिया से और ऐसे खास कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हूँ ना कि जहाँ पे लड़के का लड़की के साथ बात करना बहुत बुरा माना जाता है। पहले मेरी भी यही सोच होती थी कि नहीं नहीं किसी को कमेंट्स में मैं आंसर भी नहीं देती थी, नहीं बहुत गुस्सा, मैं कहती थी मैं ये आंसर दे दूंगी तो किसी को बुरा लगेगा, तो किसी ने कमेंट्स पढ़ लिया तो मेरा ये वो कमेंट्स करके भी डिलीट कर देती थी। अभी भी मैं यही करती हूँ, कभी कभार मैं किसी को आंसर दे देती हूँ तो फिर दोबारा से मैं उन वो अपना जो कमेंट्स होता है ना वो मैं डिलीट कर देती हूँ। लेकिन अब थोड़ी बहुत सी मुझे ना बस समझ आने लगी कि नहीं ये कोई आंसर देने से बल्कि अच्छी बात होती है। अब एक बंदा मुझे जिसने मुझे सलाम कर दिया ना अस्सलाम वालेकुम, तो उससे वालेकुम सलाम तो मैं जरूर कहती हूँ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि सलाम का जवाब देना हमसे वाजिब, तो जवाब तो जरूर देती हूँ और भी बाकी बातों का आंसर दे देती हूँ। तो बस इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर देने की जरूरत नहीं है। अलबत्ता अगर किसी को मुझे कोई मशवरा देना है, आप देना चाहते हैं मुफ्त मशवरा, तो मुझे बिल्कुल मुफ्त मशवरा दे सकते हैं, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी जो मेरे काम का होगा। हालांकि जो मुझे ये एडवाइस देना चाह रहे होते हैं ना, उनका चैनल सबसे पहले तो मैं उनका चैनल खोल के देखती हूँ, उनका चैनल जैसे मैं ना ऑन करके देखती हूँ तो उनके चैनल पर कोई सब्सक्राइबर ही नहीं, कोई वीडियोज ही नहीं। अब जब उनकी अपनी वीडियोज नहीं वो मुझे ना, तो मुझे क्या मशवरा देंगे। तो अभी किसी का चैनल ग्रो होता और वो मुझे मशवरा देते तो चलो थोड़ा बहुत बंदा रब्ता कर ही लेता, तो बट नहीं है तो क्या कर सकते हैं, चलो जो होना है हो जाएगा, बस दुआ करें कि ये बस बाकी $4 का सफर है, एहतियात से आराम से तय हो जाए ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती हूँ, वैसे ना मेरी आदत है कि थोड़ी थोड़ी सी बातों पे बहुत ज्यादा मुझे टेंशन होने लगती है। अभी किसी बच्चे को फीवर भी हो जाए ना तो बस मुझे टेंशन हो जाती है, फीवर हुआ किस वजह से हुआ है। मलिया आप चुप कर लो, ये फीवर कब सही होगा कि नहीं होगा, हाँ तो वो हो गई बात अलग। और अलबत्ता मुझे कुछ हो जाए थोड़ा सा पेट का दर्द भी हो जाए, मुझे लगता है 100 किस्म की बीमारियां हो गई है, तो फिर तो मेरे चैनल जिसे मैंने लाठों से करके आगे किया है, बड़ी मुश्किलों से इतने चैनल बना है, तो बस मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे चैनल को कुछ हो। तो बस आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि जिस दिन का मुझे इंतजार है वो दिन जल्दी से आ जाए, बस थोड़े पैसे ही सही अपनी मेहनत के ना वो मेरे हाथ में एक बार आ जाए। ज्यादा की लालच मुझे नहीं है, खुदा का फिलहाल मुझे नहीं है ज्यादा की लालच, जब थोड़े आएंगे तो हो सकती है, क्योंकि इंसान है। मलिया आप बातें मत करो, क्योंकि इंसान है, इंसान को हो सकती है, लेकिन बस थोड़े भी एक बार आ जाए ना मेरे इस हथेली पे, फिर से मुझे लोग कहेंगे जैसे पैसों का नाम आता है, वाकई दिल में खुशी हो जाती कि अपने पैसे यार अपने पैसों का नाम आता है ना तो दिल पे अजीब खुशी हो जाती है। हालांकि मेरे दो फ्लैट लिए हुए ना, तो एक फ्लैट जो है ना मेरे ही नाम का है, मेरे हस्बैंड ने अभी 2 दिन पहले मेरे नाम पे किया है, वो फ्लैट मेरे नाम पे कर दिया, तो जिसका उसमें ना किराएदार हमारे रेंट पे दिया हुआ, तो उसका जो रेंट भी आता है ना फाना, उसका जो रेंट भी आता है ना रेंट भी मैं रखती हूँ, तो उस रेंट से मैं अपनी शॉपिंग वगैरह जो होती है वो बस अपनी मर्जी से खर्चा कर लेती हूँ। तो अपने पैसे होते हैं, पहले वो फ्लैट मेरे नाम पे ही था, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले ही मेरे नाम पे हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला जब उस फ्लैट की फाइल आएगी तो मैं उस मौजू पे भी फाइल दिखाऊंगी भी और उस मौजू पे भी व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि ना खुशी होती है ना। तो बस ये कि आप मेरे चैनल पे ऐड आ रहे और गौर से देखा करें, वीडियो को भगा भगा मत देखा करें, खुद भी टेंशन में आ जाते और मुझे भी टेंशन में डाल देते हो और मुझे तो टेंशन में ना डाला। तो बस आज का व्लॉग यही था कि मुझे आप लोग को बताना था, कल से मैं सबों से पूछ रही थी और काफी ज्यादा लोग हैं कि जो परेशान हो गए थे कि आपको ऐड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी केयर करते हैं फिक्र करते हैं मेरे चैनल्स के लिए, काफी ज्यादा लोग हैं। तो बस आज मुझे यही बताना था कि आप मेरी चैनल पे फाइनली ऐड आ रहे हैं, जो कि गौर से देखिएगा ऐड आ रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है अच्छे खासे आ रहे हैं, आज कौन भी अच्छे खासे हैं। तो आज का व्लॉग यही था, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।